शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यमन में 18 महीने पहले अगवा किए गए केरल के पादरी टॉम उज़ुनिल को सुरक्षित रिहा कर लिया गया है। इसकी जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी है। टॉम उज़ुनिल को पिछले साल मार्च में यमन के अदन में अगवा किया गया था। आईएसआईएस के आतंकियों ने उन्हें अगवा किया था। दिसंबर 2016 में टॉम उज़ुनिल ने एक वीडियो जारी कर भारत सरकार से रिहा करवाने की गुहार लगाई थी और अब उन्हें रिहा करा लिया गया है सुरक्षित। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बारे में ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि फादर टॉम उज़ुनिल को सुरक्षित निकाल लिया गया है, छुड़ाया गया है उन्हें यमन से। एक बार फिर से हम आपको बता दें, 18 महीने पहले अगवा किया गया था यमन में केरल के पादरी टॉम उज़ुनिल को। उन्हें सुरक्षित रिहा करा लिया गया है। इसकी जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी है। टॉम उज़ुनिल को पिछले साल मार्च में यमन के अदन में अगवा किया गया था। आईएसआईएस के आतंकियों ने उनका अपहरण किया था, उन्हें अगवा कर लिया गया था और उसके बाद दिसंबर 2016 में टॉम उज़ुनिल ने एक वीडियो जारी किया था और इस वीडियो के जरिए उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई थी कि उन्हें रिहा कराने की कोशिशें की जाएं और अब ये कोशिशें आखिरकार रंग लेकर आई हैं। पादरी उज़ुनिल को सुरक्षित रिहा करवा लिया गया है।